Hi everyone and welcome to my channel and this is your host Naseema. Last time मैं आप लोगों को zoo Atlanta में ले गई थी, आज मैं आप लोगों को city pass के दूसरे attraction में ले चलूँगी, that is Georgia Aquarium. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, then do subscribe, like and share. Georgia Aquarium जो कि US North Hemisphere का one of the largest aquarium है, जो कि यहाँ Atlanta में देखने लायक चीज़ है, तो आपको यानी दूसरे अट्रैक्शन में जाओ या ना जाओ, लेकिन जॉर्जिया एक्वेरियम ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए. जॉर्जिया एक्वेरियम में डिफरेंट टाइप्स के शोज़, प्रेजेंटेशंस, डाइविंग के ऑप्शंस, स्लीप ओवर के ऑप्शंस, केज डाइविंग के ऑप्शंस, देन क्लोजअप एनिमल एनकाउंटर के ऑप्शंस आपको मिलेंगे. तो उसका प्राइजिंग या फिर टिकट की डिटेलिंग अगर आपको जाननी हो, तो मैंने जॉर्जिया एक्वेरियम का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और सिटी पास का भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हो. सो अगर मैं एनिमल एनकाउंटर की बात करूँ, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे डॉल्फिन है, सी लायन है, पेंगुइन है. तो ईच एनिमल का टिकट्स आपको अलग से बाय करना रहता है, दैट इज़ ईच टिकट्स आर सोल्ड सेपरेटली. जॉर्जिया एक्वेरियम वैसे तो बहुत ही बड़ा है और सभी चीज़ें यहाँ पर रखी जो है वो यूनिक है और कैप्चर करने लायक है, लेकिन मैंने कुछ ही चीज़ें यहाँ पर कैप्चर की है. आई होप आप लोगों को पसंद आएगा. और कभी सोचा नहीं था कि व्हेल शार्क मेरे सर के ऊपर से पास होगी, ये सब एक्सपीरियंस करूँगी मैं, पेंगुइन को देखूंगी. अफ्रीकन पेंगुइन है यहाँ पर, लेकिन देखने लायक है. वैसे तो पेंगुइन जो है मैंने डिस्कवरी चैनल्स में देखे हैं, या शार्क जो है वो डिस्कवरी चैनल्स में देखे हैं. यूजुअली कभी इतना करीब से या अपनी खुद की आँखों से इतना क्लोज़अप लुक कभी नहीं देखा. सो ये एक खुद ही में अलग एक एक्सपीरियंस था, बहुत ही खूबसूरत था. तो ये मस्त सी अट्रैक्शन है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए. और पेंगुइन वॉक भी अगर आपको देखना हो, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए.